हमारे नेता ने लगातार सारे प्रदेशों में रैलियां करके जो माहौल क्रिएट किया है उसकी वजह से कमाल यही है। अगर इन मुद्दों को आप इनकैश कर लिए होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता कांग्रेस एमपी से। आप लोग नहीं कर पाए, बीजेपी की गलतियों को आप लोग हाईलाइट भी नहीं कर पाए सर। भाई राफेल का मुद्दा भी गुस्सा हो गया, कहां राफेल का मुद्दा चला। मिश्रा जी, ये नतीजे जो बता रहे हैं एमपी में जिस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि शिवराज अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने में कामयाब हुए या फिर वाकई में जो है राहुल उस तरीके से कैश नहीं कर पाए? नहीं नहीं, देखिए एक चीज तो फैक्ट है, न शिवराज न मोदी जी ये लोग अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके नहीं रख पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये हर इलेक्शन कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए बड़ा गोल्डन चांस होता है, ये लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मुद्दों को इनकैश नहीं कर पाते हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पे दोनों लोगों की परफॉर्मेंस है। अगर कांग्रेस चाहती अच्छे तरीके से मल्टी लेयर में अगर ये मैनेज करते ना तो कांग्रेस ये क्लीन स्वीप वाली कंडीशन में आ सकती थी। ये जो नतीजे हैं ये सिंपल है, ये नतीजा ये है कि पब्लिक उतनी ही पब्लिक बीजेपी से नाखुश है जितनी पब्लिक कांग्रेस, भाई कांग्रेस को इतने वोट क्यों मिले, क्योंकि वो बीजेपी से नाखुश है। तो बीजेपी के खिलाफ तो ये मैंडेट है ही एक तरीके से, कांग्रेस के फेवर में भी नहीं है। नहीं नहीं, कांग्रेस इसको अपने फेवर में इनकैश नहीं कर पाई। देखिए है क्या, अगर बीजेपी से लोग बहुत खुश होते तो वो क्लीन स्वीप वाला जो है मैंडेट बीजेपी के लिए आ जाता। नहीं अनुजी भी